का नाम माजा भाई को छप लेकर जो 23 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है। हम सब बहुत एक्साइटेड है फिल्म के लिए, क्योंकि फिल्म बहुत अच्छे त्यौहार पे दिवाली पे रिलीज़ हो रही है और मैं सबको दिवाली की शुभकामनाएं बोलना चाहूँगा। प्लस ये फिल्म के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा कि ये कॉमेडी हॉरर जॉनर है और विदाउट एनी वल्गरिटी, इसमें कुछ भी वल्गरिटी नहीं है, एकदम फैमिली ड्रामा कॉमेडी फिल्म है ये। और प्लस प्रियादर्शन यादव, अनिकेत विश्वास राव, भाग्यश्री मोटे, प्रिया गांबरे, बहुत से अंशुमन बिचारे, बहुत से मराठी के दिग्गज आर्टिस्टों ने इसमें काम किया हुआ है ये पिक्चर में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को ये पिक्चर बहुत अच्छी लगे। प्लस कहना चाहूँगा कि इस फिल्म का एक गाना ऑलरेडी बहुत हिट हो चुका हुआ है, हाथ न खुलाओ। अगर आप लोग यूट्यूब पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये गाना ऑलरेडी वायरल हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। मराठी फिल्म मैंने पहले राजेश की हुई थी जिसका नाम था युद्ध अस्तित्व से लड़ाई। उसके बाद मैंने मराठी में ट्राई नहीं किया, बट हाँ लकीली मुझे और दो मूवी करने के मिले राजीव के साथ, विट्ठल और ये माझा बायकोचे प्रियकर। बहुत पसंद है मुझे, टू बी ऑनेस्ट। मराठी मैं पंजाबी कर चुका हूँ, कन्नड़ हिंदी तो ऑब्वियसली कर ही रहा हूँ, बट मराठी का अटैचमेंट ये है कि मराठी म्यूज़िक बहुत मेलेडियस है, जो मेलेडी लाइक आप एंजॉय करते हो करने के लिए, लाइक म्यूज़िक हैज़ नो लैंग्वेज। बहुत मज़ा आया करके। लकीली मेरा अच्छा, माय फेवरेट जॉनर इज़ रोमांटिक, और मुझे दो रोमांटिक ही गाने करने को मिले,
एंड स्वाति जो कि जिसने जिन्होंने दो गाने गाए, सुशांत दिग्विकर हु हैज़ ऑल्सो संग द मेल पोर्शन ऑफ द सॉन्ग. तो वेरी हैप्पी टू सी कि मतलब गाना इतना अच्छा आउटकम हुआ, पीपल अप्रिशिएट कर रहे हैं एंड दैट्स इट. माझ्या बायकोचा प्रियकर हा आमचा आगामी चित्रपट येत्या 23 नोव्हेंबरला प्रदर्शित होत आहे. या चित्रपटातल्या माझ्या व्यक्तिरेखेबद्दल सांगायचं झालं तर खूप साधा सरळ साचेबद्ध असं आयुष्य जगणारा तो मुलगा आहे. आईवडिलांच्या प्रचंड प्रेशरमध्ये तो असतो. त्याचं लग्न होतं आणि त्याची जी बायको असते त्याची लग्नाची पहिली रात्र साजरी करण्याची एक आगळी वेगळी फॅन्टसी असते, ज्याला ऑफकोर्स तो नकार देतो आधी, कारण त्याला आयुष्यामध्ये थ्रिल वगैरे त्यांनी अजिबात एन्जॉय केलं नसतं. पण शेवटी बायकोच्या इच्छेचा मान राखून तो हो म्हणतो आणि त्यांचा एक प्रवास सुरू होतो ती रात्र मेमोरेबल करण्यासाठी आणि साजरी करण्यासाठी. आणि ते अशा एका ठिकाणी येऊन पोचतात की जिथे प्रियदर्शनची एंट्री होते आणि तो भूत असतो आणि त्याची एक वेगळी अट असते आणि त्याच्या अटीमुळे त्या गण्याचं जे माझं कॅरेक्टर आहे त्याचं आयुष्य कसं म्हणजे उलथापालथ होते, काय खळबळ माजते त्याच्या आयुष्यात, अशी साधारण कथा आहे. हॉरर कॉमेडी या जॉनराचा चित्रपट आहे हा. एक हसत खेळत त्या अंगाने जाणारा चित्रपट आहे, हलका थोडंसं कधी कधी घाबरवणारा आणि कुठे कुठे इमोशनल होऊन प्रेक्षकांना टच करून जाणारा असा हा सिनेमा आहे. सो ओवरऑल एक धमाल मस्ती एंटरटेनमेंट पॅकेज असणारा हा चित्रपट आहे. राजीव रुईया दिग्दर्शित हा चित्रपट आहे. त्यांनी याआधी हिंदीमध्ये बरेच सिनेमे दिग्दर्शित केलेले आहेत आणि हा चित्रपट आता ते मराठीत घेऊन येत आहेत आणि खूप छान टेक्निशियन त्यांच्याबरोबर काम करताना खूप मजा आली आणि मराठी सिनेमाला त्यांच्याकडून चांगल्या अपेक्षा जर प्रेक्षक ठेवतील तर ते गैर ठरणार नाही, हे ते भविष्यात नक्कीच सिद्ध करतील. सो माझी विनंती आहे सर्व प्रेक्षकांना की येत्या 23 नोव्हेंबरला चित्रपटगृहात जाऊन माझ्या बायकोचा प्रियकर या चित्रपटाची तुम्ही मजा घ्या. नमस्कार. माझ्या बायकोचा प्रियकर ये मेरी नेक्स्ट फिल्म 23 नवंबर को रिलीज़ हो रही है ऑल ओवर महाराष्ट्र. इस फिल्म के बारे में कहा जाए तो हॉरर कॉमेडी जॉनर की ये फिल्म है. हॉरर मतलब है लेकिन बच्चे भी आके देख सकते हैं, पूरी फैमिली के साथ आप ये फिल्म देख सकते हैं. जैसे स्त्री आई थी बिल्कुल उसी जॉनर की ये फिल्म है. ज़्यादातर कॉमेडी है लेकिन बहुत ही अच्छा इमोशनल कंटेंट और मैसेज इस फिल्म में भी दिया गया है. इस फिल्म में मेरे कैरेक्टर के बारे में कहा जाए तो एक बहुत ही सीधा साधा लड़का है, बहुत ही एक अपनी एक जो चौकट है उसमें अपनी ज़िंदगी जीता है. ज़्यादा थ्रिल एडवेंचर उसे पसंद नहीं है. अपने माँ बाप के प्रेशर के अंदर है कि शादी करनी चाहिए तुम्हें जल्द से जल्द, और उसकी शादी हो भी जाती है लेकिन उसकी जो बीवी है उसकी शादी की पहली रात मतलब एक साथ स्पेंड करने की एक अलग सी एक अद्भुत सी एक फैंटेसी है जिसे वो ना बोलता है पहले तो, लेकिन आखिर में जाके बीवी के रिस्पेक्ट करके उसकी जो इच्छा है उसका मान रखकर वो इच्छा मान लेता है और निकल पड़ते हैं वो एक एडवेंचर की तरफ. और उसी मोड पर उन्हें प्रियदर्शन जाधव मिलता है. वो ऐसे एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पे एक ऐसे भूतिया महल टाइप है वो, और प्रियदर्शन आने के बाद वो उनको एक अपनी एक मांग रखता है उनके सामने. और उस कैरेक्टर के लाइफ में मतलब जो सीधा साधा कैरेक्टर है कैसा मतलब एक अलग ही मोड ले लेती है. हाँ, ट्विस्ट और टर्न हो जाता है. और ऐसी इस फिल्म की कहानी है जो आप पूरी फिल्म के साथ अपनी फैमिली के साथ आकर ये फिल्म देख सकते हैं. एक धमाल मस्ती वाली फिल्म है. सो 23 नवंबर को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है. सो इस फिल्म का लुत्फ आप ज़रूर उठाइए. आप अपने रोल के बारे में बताइए, पहले हिंदी में फिर एक मराठी. माझ्या बायकोचा प्रियकर इस फिल्म में मैं एक भूत की भूमिका निभा रहा हूँ. हालांकि मैं भूत हूँ लेकिन ज़्यादा डराने वाला भूत नहीं हूँ. डर आपको लगेगा लेकिन उस डर में भी आपको हंसी आएगी, इसीलिए इस जॉनर को हम हॉरर कॉमेडी बोल रहे हैं. बहुत ही इनोसेंट भूत है, उसके कुछ अपने दर्द हैं, उसकी कुछ अपनी तकलीफ है,
वो किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता है, लेकिन वो किसी के पास नहीं जाता है। एक कपल किसी बात की वजह से उसके पास आ जाता है। अब जब वो कपल उसके पास आता है, तब ये भूत उनको एक ऐसे जंबल में डाल देता है, ऐसे पेंच में डाल देता है, जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल सकते। अब वो कैसे बाहर निकलते हैं, क्या करते हैं, ये तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। 23 नवंबर को ये फिल्म आ रही है, ज़रूर थिएटर में जाकर देखिए। माझा बायकोचा प्रियकर या फिल्ममध्ये मी का भूताची भूमिका करतो। भूत घाबरवत नाही, थोडंसं घाबरतच ॲक्च्युली, कारण साधा आहे भूत, ते काही कोणाच्या आयुष्यात जात नाही आहे, जात नाही सिनेमात सुद्धा। ज्या व्यक्तिरेखा त्याच्या आयुष्यात येतात, त्या व्यक्तिरेखांबरोबर त्याचं एक डील, एक करार असा होतो की ज्यामुळे ते दोघेही जे त्याच्या आयुष्यात येतात ते अडकतात। मग ते भूत त्या अनिकेत विश्वासराव जे गणेश नावाचं कॅरेक्टर करतो, त्याच्या बायकोचा प्रियकर होतो की नाही होत, हे तुम्हाला सिनेमात बघायला मिळेल। अत्यंत लाईट कमर्शियल फिल्म आहे, राजीव रुईया यांनी डिरेक्ट केली आहे, दीपक रुईया आणि त्यांचे साथीदार सगळे प्रोड्युसर आहेत, खूप छान टीम आहे। जेवढी टीम आणि सिनेमा दोन्ही छान जमले तेवढंच तुम्ही एन्जॉय कराल याची खात्री आहे। 23 नोव्हेंबरला नक्की थिएटरमध्ये जाऊन पहा माझ्या बायकोचा प्रियकर। थँक्यू, थँक्यू। एक्चुअली रोल बहुत इंटरेस्टिंग है मेरा, बिकॉज़ कोमल बहुत ही अच्छे घर से है, उसकी कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है या ज़्यादा बड़े सपने नहीं है। माँ बाप जहाँ शादी कर देते हैं या माँ बाप जहाँ बोलते हैं वहाँ शादी कर लेती है वो, और उसी में वो खुश है। बट उसके कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं अपने हस्बैंड से, जैसे उसके कुछ फैंटेसीज़ है कि शादी के बाद क्या होना चाहिए या शादी के बाद हनीमून कहाँ होना चाहिए, ये उसकी ख्वाहिश है। तो वो उसको बोलती है कि शादी के पहले दिन भाग जाने के लिए, और वहाँ से हम लोग जो भागते हैं, हम लोग एक लोकेशन पर जाते हैं वाड़ा हाइटकॉल, तो वहाँ पर जाने के बाद हमें मिलता है प्रियदर्शन। प्रियदर्शन जो है ही इज़ प्लेइंग अ घोस्ट इन दिस फिल्म अपेरेंटली, विच इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फिल्म आई कैन से, बिकॉज़ बहुत सी अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस किए हैं मैंने, कि जब कुछ हॉरर फिल्म का शूट करते हैं तो कैसे शूट किया जाता है, क्या शूट किया। और अनिकेत और प्रियदर्शन के बारे में मैं ये बोलूँगी कि वो दोनों बहुत एक्सपीरियंस्ड और माहिर एक्टर हैं, बट उनके साथ काम करते वक्त बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि कहीं पर मैं नहीं हूँ या फिर वो मुझे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रही है, या फिर जो मुझे जहाँ चीज़ आती नहीं, क्योंकि कॉमेडी ये जॉनर मेरे लिए नया था या कॉमेडी ये जॉनर मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। सो उसके लिए भी जो प्रैक्टिस लगती थी ये कि वो उसमें सब में मुझे इन्वॉल्व कर लेते थे। और कोमल प्ले करते हुए मैंने, मतलब मुझे लगता है कैमरा के सामने आज तक मैं कभी ऐसे बोल्ड रोल में या फिर ग्लैमरस रोल में नहीं आई हूँ जो कोमल है एक्चुअली। तो कोमल प्ले करते हुए तो मुझे बहुत मजा आया है और बहुत अच्छा लगा है, मुझे तो बहुत ब्यूटीफुल और सही लगा है, आई गेस लोगों को भी सही लगेगा। मैडम मला असं वाटतं की लोकांनी 2 तास निखळ हसण्यासाठी यावं, मनोरंजनासाठी यावं, बाकीचे त्यांची सगळे टेन्शन स्ट्रेस सगळ्या घरी सोडाव्यात, आणि फिल्म एक नवीन मसाला येतो, नवीन काहीतरी आम्ही त्यांना एंटरटेनमेंट देऊ पाहतो आहे। कारण आम्ही जरी काही सिरियस सिच्युएशनमध्ये असलो आम्ही तिघं, तरी आमची फॅमिली जी आहे ती फार कॉमेडी आहे, आणि ती अशी कॉमेडी नाही आहे पण ती सिच्युएशनल कॉमेडी करते जिथे तुम्हाला हसायला येतंच। भारत दादा आहे, अंशुमन विचारे आहे, प्रिया गमरे आहे, सो ह्या सगळ्यांनी जी खिचडी पकवली ती बघण्यासाठी आणि आम्ही काय केलं आहे तिघांनी मिळून किती धम्माल केली ते बघण्यासाठी तरी नक्की या 23 नोव्हेंबरला माझ्या बायकोचा प्रिय। थँक्यू। प्रिया जी अपने रोल के बारे में बताइए, पहले हिंदी में फिर मराठी में, हिंदी में छोटा मराठी में थोड़ा बड़ा। ओके, माझ्या बायकोचा प्रियकर एक मराठी फिल्म है, इसमें मेरा कैरेक्टर है मीना का। मीना एक हाउसवाइफ है, टिपिकल हाउसवाइफ, जो लीड है भाग्यश्री मोटे कोमल, उसकी भाभी दिखाई हूँ मैं। और मेरे ऑपोजिट है अंशुमन विचारे। तो अंशुमन विचारे मराठी के बहुत दिग्गज कॉमेडियन हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कॉमेडी फिल्में दी हैं और बहुत बड़े बड़े शो करते हैं। तो उनके साथ मेरा काम है और मैं उनकी वाइफ बनी हूँ, तो एक्चुअली बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए उनके साथ काम करना, बट इट वॉज़ फन। उन मेरा कैरेक्टर ऐसा है कि मैं थोड़ी रोमांटिक हूँ, रोमांटिक इन ऐसे मैं थोड़ी चिपकू हूँ, अपने पति को चिपकती रहती हूँ, थोड़ी सी नैगिंग भी हूँ, बार बार उनके पीछे पड़ी रहती हूँ हर चीज़ के लिए, और वो मेरे से भागते रहते हैं।
तो उसी सिचुएशन का फन है कि मैं उनके पीछे पड़ी रहती हूँ कि मुझे साथ लेके चलो, मेरे साथ रहो, मेरे से बात करो, यू नो, मेरे साथ रोमांटिक गाने गाओ, ये करो वो करो, ऐसे मैं पीछे पड़ी रहती हूँ और वो भागते रहते हैं. तो वही चीज़ का फन है पूरे फिल्म में हम लोग दोनों के सीन्स का. फिल्म से बहुत सारी उम्मीदें हैं मेरी मराठी में. अच्छा, ह्या फिल्मकडून खूप अपेक्षा आहेत. खूप अपेक्षा आहे नसून कारण ती अशी फिल्म आहे ना की एक पर्टिक्युलर ऑडियन्ससाठी नाही आहे, सगळेच एन्जॉय करते. म्हणजे त्यामध्ये ड्रामा आहे, एंटरटेनमेंट आहे, कॉमेडी आहे, सिरियसनेस आहे, भूत आहे आणि सगळ्याच गोष्टी आहेत. म्हणजे जे मुलंही लहान मुलंही एन्जॉय करतील आणि म्हणजे मोठेही एन्जॉय करतील. आणि इट्स लाईक ते स्टार्ट टू एंड तुम्ही हसतच राहणार आहे कंटिन्यू आणि कुठेही तुम्हाला असं वाटणार नाही की यु नो कुठेतरी असं हरवलं आहे म्हणून. तुम्हाला असं वाटत म्हणून आता काय होणार, आता काय होणार. आणि तुम्ही त्या ह्याच्यामध्ये पूर्ण फिल्म पाहाल आणि तुम्हाला वाटलं अरे फिल्म संपली अजून का नाही आहे मोठी, असं वाटेल तुम्हाला. थँक्यू. सर, कमाल की कहाणी लिखली आहे, तो इस कहाणी को प्लॉट कैसे आया, दिमाग में प्लॉट कैसे आया? प्लॉट तो राजीव सर का था. राजीव सर के दिमाग में कहानी थी कि किस तरीके से यदि किसी आम बंदे के लाइफ में इस तरीके की सिचुएशन आ जाए कि उसके सामने एक ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसको ना वो देख पा रहा है ना उससे बात कर पा रहा है, तो उसका क्या होगा. फिर वहाँ से ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू हुआ और एक इतनी कमाल की कहानी बन गई. और लोगों को बहुत पसंद आ रही, जितने लोगों ने ट्रेलर देखा है बहुत अच्छा रिव्यू है, म्यूज़िक का बहुत अच्छा रिव्यू है, और आपकी कहानी सब मिक्स होकर सुपर हिट ऑलरेडी एटमोसफियर क्रिएट हो चुका है. भाई हमारी तो एक्सपेक्टेशन यही है कि फिल्म हिट होना चाहिए, लोगों को पसंद आना चाहिए और सारी जो चीज़ें हैं ये अब जनता के ऊपर है कि जनता फिल्म को भी उतना ही पसंद करे जितना वो ट्रेलर को और गाना पसंद कर रही है. और ये सब हो रहा है क्योंकि हमारे सारे एक्टर्स हमारे साथ, उन्होंने बहुत कमाल का काम किया है. डायरेक्टर साहब थे हमारे, प्रोड्यूसर थे प्रदीप जी, दीपक रोहिया, जिनने हमारे ऊपर इतना भरोसा किया और इस कहानी को पर्दे तक लाने में हमारी मदद की. थैंक यू. बंदों के बाद अभी आ गया हाथ पकड़ाओ, तो जी कैसा लग रहा है ये गाना बेट हो गया? बहुत अच्छा लग रहा है और ज़्यादा खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि ये मराठी में है और मुझे आती नहीं मराठी, और फिर भी मैंने ये गाना गाया और लोगों इतना अच्छा पसंद कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए भी एक सरप्राइजिंग फैक्टर है. तो आई एम लिटरली लविंग इट. थोड़ी जाने देंगे इनको गाना गाना पड़ेगा. हाँ हाँ, तो मैं ऐसे जाऊँगी भी नहीं. माझा इसका चा रंगात रंगना, माझा माझा क्या हो गया सर बोल. माझा इसका चा रंगात रंगना, माझा अंगाला जवळून बघना, चल रे हट रे राजा, तू हात नको लावू, तू हात नको लावू, तू हात नको लावू रे, हात नको लावू. वेरी नाइस, थैंक यू. फिल्म आ रही है 23 तारीख को जी. और आप अलग अलग शहरों के इसमें प्रमोशन के लिए जाने वाले हैं जी. इतना ये तो हाथ में बोला, वो मीटू में भी काम आ जाएगा. हाँ, वैसे करेक्ट गाना है ना, अभी जैसे जो चल रहा है उसमें कोई भी मीटू की जगह ये भी बोल सकते हैं हाथ ना खोला. और इसके बहुत सारे वीडियोस भी चल रहे हैं. मीरा जोशी ने बहुत अच्छा डांस किया है जी जी. तो कैसा लग रहा है इतने लोग वीडियोस बना के लोड कर रहे हैं? जी जी, मैंने भी देखे हैं काफ़ी वीडियोस जो कि बने हैं टिकटॉक के ऊपर और भी सारे एप्लीकेशन के ऊपर. मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और मीरा जोशी ने भी बहुत अच्छा काम किया है. वीडियो भी मुझे, कोरियोग्राफी ओवरऑल मुझे बहुत पसंद आए, बहुत अच्छा लग रहा है. क्या उम्मीद कर रही है प्लेबैक में, मराठी फिल्म में और गाना सुनने मिलेगा आपका? हाँ, मैं उम्मीद तो यही कर रही हूँ कि अब मुझे मराठी फिल्मों से भी ऑफर आए गाने के लिए, क्योंकि मैंने एक तरीके से सारा जॉनर गा लिया है. तो एक तरीके से मैंने दिखा दिया कि चलो मैं रोमांटिक भी गा लिया है, डांसिंग नंबर भी गा लिया है, अब जिसमें भी रिक्वायरमेंट हो मैं गा दूँगी. तो अपील कर लीजिए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर डायरेक्टर मुझे सुन रहे हैं. जी जी, जितने भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर मराठी के मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं सारे लैंग्वेज को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेती हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे एक बार चांस दीजिए और ज़रूर हमारी मूवी का गाना सुनिए, आपको अच्छा लगेगा. थैंक यू सर. फिल्म रिलीज़ के लिए तैयार है, दिवाली का माहौल चल रहा है और फिल्म 23 तारीख को डंका बजाने वाली है. गाना सुपर हिट हो गया, ट्रेलर बहुत पसंद आ रहा है, एक के पीछे एक वायरल होते जा रहा है, तो कैसा लग रहा है? सर, अच्छा लग रहा है और पहली बार मैं मराठी बना रहा हूँ और ये बोलने में मुझे ज़रा भी संकोच नहीं कि मैं हिंदी भाषी क्षेत्र से हूँ, पर मेरे को मराठी से, मराठी भाषा से बहुत लगाव, मोहब्बत है समझ लीजिए. तो मैंने जैसे ही मेरे पास ये कंसेप्ट आया दीपक जी के थ्रू, तो मैंने ज़रा भी टाइम नहीं लगाया और इसमें मैं जुड़ गया और इस फिल्म को बनाया. बहुत अच्छी फिल्म है और इसमें
जब प्रोड्यूसर फिल्म बना था, जब आपने डायरेक्टर बनाई थी, हाँ तो भी प्रमोशन बहुत अच्छा था, उसके गाने भी बहुत पसंद किए थे लोगों ने। हाँ सर। और इसका गाना बहुत अच्छा है, ट्रेलर बहुत रिस्पॉन्स आ चुका है और एक्टर बहुत खुश हैं काम करके। जी। सबने बहुत तारीफ की है कि हमें बहुत अच्छे प्रोड्यूसर मिले। जी। कुछ अच्छा था तो जी, तो फिल्म रिलीज के तैयार है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि देखिए, डायरेक्ट रिस्क की आपने जब बात की है तो डायरेक्ट रिस्क में एक माइनस पॉइंट हमसे हो गया था अनजाने में, कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो पॉइंट जो सेलेक्ट किया था वो हमारा आप कह सकते हो बैड चॉइस था। लेकिन आज की डेट में फिल्म अच्छी बनी, सुपरस्टार हैं इसमें सारे के सारे, और सुपर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, पैन इंडिया सुपर कंपनी, और उनकी जो क्षमता है वो सब जानते हैं। और फिल्म के जैसे गाने का आपने बोला कि गाना सुपर हिट हो गया और दूसरे गाने जो भी हैं वो अच्छे लग रहे हैं लोगों को, तो पब्लिक को क्या चाहिए? एंटरटेनमेंट चाहिए सर, म्यूजिक चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन हमारे हिसाब से अच्छा चाहिए, तो वो सब कुछ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, और ज़्यादा बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ब्लॉकबस्टर तो होनी ही चाहिए। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। हे जे प्लॉट आहे पिक्चरचा, माझ्या बायकोचा प्रिय कर, हा जो प्लॉट आहे याच्यात टायटल आहे, त्याच्यामध्ये सगळं काही शिरलेलं आहे। हे राजीव एस रुईया जे आमचे डायरेक्टर आहे, हा त्यांचा प्लॉट होता आणि त्यांनी असं सुचवलं एक दिवस की तू एक म्हणजे अशी अशी एक कल्पना कर की जर नवीन नवरा बायको आहे, त्यांचं लग्न झालं आहे आणि ते पळून जातात आणि कोणीतरी त्यांना स्ट्रेंजर भेटतो, मग ते काय त्यांच्या जीवनामध्ये होणार आहे ते सगळं मग आम्ही बसलो सुचवलं आणि मग त्याच्यानंतर सगळं ब्रेनस्टॉर्मिंग करून आणि हा सिनेमा तुमच्यापुढे आहे, माझ्या बायकोचा प्रिय। थँक्यू।